yeah, that was my reaction one. लेकिन आई थिंक पार्ट शुड से द रेस्ट, क्योंकि जो दो दिन हमने सेट पे बिताए पूरी टीम के साथ, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल, लेकिन बहुत हार्ड वर्क था. बहुत ही जी. एक्चुअली आई थिंक पार्ट हैड फन दो. या आई हैड फन बिकॉज़ एक तरीके का वी आर यूज्ड टू इट, वी नो इट के कितना शूट होने वाला है, दो दिन में क्या क्या होता है, तो वी आर वेरी मच यूज्ड टू इट. बट यस, अनमोल ऑन द कंट्री हैड अ लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम चेंजेस. आई थिंक दैट वाज हेक्टिक पार्ट बिकॉज वी हैड टू शूट अ लॉट ऑफ सीन्स. But overall, we had lots of fun. There were young talent, young people on the set, and also our DOP. So he was pretty energetic about what was happening. I was kind of nervous about what was happening because yeah, light nahi mil rahi thi. No, like Palash is very sorted. He's a very talented director. He knew what he wanted. Costume changes ke baare mein, my sister Ada had done the costumes, and she's very particular about clothes. So she gave me the most trouble actually, because she was very particular ki kaun se changes kya hone chahiye. Palash was chill. Ada was very entertaining. Entertaining, excuse me. Yeah, it was. She was very entertaining. Yeah, she was. So we had lots of fun. She's a very what can I say? Talented. मैं acting career नहीं करी, मैं singer ही हूँ. लेकिन देर कैसे हो गया? I've been singing since I was 3. मेरा पहला गाना निकला था बीबी नंबर 1 में जब मैं 5 साल की थी, और जब टली निकला था मैं 16 साल की थी. तो मैं फुल फ्लेज, सो आई बिन अराउंड. लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, जो मेरी हाउ डू पुट इट, पैशन लाइज. अभी मेरा एक गाना निकला था कॉल्ड लेट मी कम होम, तो वो अंग्रेजी में था, एंड दैट वेंट ऑन टू डू वेरी वेल ऑल ओवर एशिया. इट कम इन नंबर 4 ऑन द एशियन चार्ट्स. तो विच इज़ आई थिंक समवेयर दैट माई काइंड ऑफ पैशन लाइज. लेकिन अब ये जो गाना है मैंने एक्चुअली पलाश के लिए किया, इसलिए मैंने कहा ही इज़ अ फ्रेंड. आई थिंक ओनली अ फ्रेंड वुड हैव द पेशेंस टू हैव अ नॉन एक्टर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे संभाला, एंड आई थिंक आई होप यू लव द रिजल्ट्स. एटली बॉलीवुड, तो बॉलीवुड इज़ अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी. आई कैन नेवर लीव दैट, आई नेवर वॉन्ट टू लीव दैट. तो मेरे कुछ गाने आ रहे हैं बाहर. बेगम जान में एक गाना निकला था मेरा जो है होली, और मैंने वो श्रेया जी के साथ गाया था. अभी मधुर भंडारकर जी के फिल्म में भी एक गाना आ रहा है. तो आई विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू बॉलीवुड म्यूजिक, एंड माई एंटायर मोटिव इज़ टू क्रिएट. आई वॉन्ट टू क्रिएट, तो वेदर दैट्स म्यूजिक और दैट स्टोरीज और दैट्स फिल्म, यू नो, आई एम रेडी टू क्रिएट एनी थिंग. आफ्टर टेलीविजन, और आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म और जिसकी ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पे है, तो मैं वही उसी के लिए रुका हूँ, उसी के लिए एक्साइटेड हूँ, जिसमें इनफैक्ट पलाश ने भी गाने कंपोज किए और वहीं पे हम मिले थे इनफैक्ट. तो यस, कह सकते हैं कि यहाँ से आप शुरुआत करें म्यूज़िक वीडियो के बाद फिल्म, और इसी साल आएगी, तो उसी के लिए एक्साइटेड है. ओ सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जीऊं क्यों, बस इतना बता दे, तू जो कहे